हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और आप सबको ध्यान पूर्वक समझना है कि आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे डिस्कस होने वाला है उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। इसी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या किया है। तो हमने अभी तक जो किया है, हमने सीखा है किस किस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। एक तो बच्चों हमने गुणज के बारे में पढ़ा है और एक गुणनखंड के बारे में पढ़ा है। तो क्या होते हैं गुणज और गुणनखंड, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी मालूम होगा बड़े अच्छे से। अब बच्चों, अब देखिए मेन चीज अब ये आती है कि जो हमने गुणज और गुणनखंड पढ़ा था उसके ऊपर हमने आधार पे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो ये आती है इसमें है कुछ, हमें क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो किस चीज पे आधारित ये क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे हम एक बारी देखेंगे। तो अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम, क्या है यहाँ पे। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों या फिर दोनों सम संख्याएं हों, तो आपको यही बताना है कि कोई दो संख्याएं अगर आपके सामने आ जाती हैं, दो संख्याएं अगर आपके सामने आती हैं, तो आपको बताना है कि भाई वो दो संख्याओं को हम योग करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, और उनका जोड़ सम होगा या विषम होगा। अब बच्चों सम क्या होता है और विषम क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, इसको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और विषम संख्याएं जो होती हैं इसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। अब बच्चों सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से डिवाइड हो जाएं, जो संख्या दो से भाग हो जाती है उसे सम संख्या बोलेंगे, और जो दो से भाग नहीं होती उसे विषम संख्या बोलेंगे। बस इतना ही। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि किन दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम, ये बताना है। तो भाई हमें संख्या भी तो पता लगे कि कौन सी संख्याएं हैं। तो बोला गया है पहले पहले पार्ट में, पार्ट ए में, कि जिन दो संख्याओं का योग हो रहा है वो विषम संख्याएं हैं। तो हम उदाहरण लेके देखते हैं एक बारी भाई कैसे होता है। हम दो विषम संख्याएं उनको ऐड करके देखेंगे। तो एक विषम संख्या 3 हो गई और एक विषम संख्या 5 हो गई। दोनों विषम संख्याएं हैं, इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे, योग करके देखेंगे। तो 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। 3 + 5 8 होता है। तो देखिए ना तो 3 2 से डिवाइड होता है और ना ही 5 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 8 को हम 2 से भाग जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इनका आंसर आया है वो कैसा आया है बच्चों? वो आया है सम। और जो ये संख्याएं हैं जिनको हमने जोड़ा है वो विषम है। तो यानी कि इससे यह पता लगा हमें कि भाई जो अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास सम संख्या आएगी, उनका योग सम संख्या होता है। लेकिन एक ही एग्जाम्पल इनफ नहीं है, हम कुछ और उदाहरण भी लेके देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि दूसरे एग्जाम्पल में और कुछ आ जाए आंसर। तो 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और 7 16 आ जाएगा। यहां भी इनका योग सम आया है। एक और उदाहरण लेके देखेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। थोड़ा हाँ बड़ा नंबर लेते हैं, 13 + 19 कितना होता है? तो 9 + 3 12, 1 हासिल।
और 1 + 1 = 2 और 1 = 3 = 32। तो आप देखेंगे कि तीनों में योग कितना आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, ठीक है, इवन आ रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योग कैसा होता है, उनका योग सम होता है। कैसा होता है, सम होता है। अब बात आती है कि अगर दो सम संख्याएं संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो देखिए दो सम संख्याओं का योग करके हम देखते हैं। तो दो सम संख्याएं सबसे पहले हम दो ही लेते हैं, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 + 2 हम 4 इसको 2 + 2 = 4 आता है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे भी हमें दो सम संख्याओं को जोड़ने पे भी क्या मिल रहा है, हमें हमें इवन नंबर मिल रहा है। ये कौन सा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को जोड़ के भी इवन नंबर आता है और ऑड नंबर को जोड़ के भी इवन नंबर आता है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को कोई भी दो सम संख्याएं हो या विषम संख्याओं हो, उनका योग हमेशा क्या होता है, सम ही होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब बच्चों हम कुछ बात करने जा रहे हैं यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो ध्यान पूर्वक आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है, और उन्हीं को आप यहाँ पे एक बारी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं, अभाज्य और अभाज्य और भाज्य अभाज्य और भाज्य संख्याएं इनको हम बोलते हैं। अब होती क्या है भाई अभाज्य और भाज्य संख्याएं, तो ये हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे कि अगर प्राइम नंबर्स की बात हो, यानी अभाज्य संख्याओं की बात हो रही हो, तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो 1 से भाग होती हो और या अपने आप से, बस इसके अलावा किसी से भी ना भाग होती हो पूरी पूरी, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है या तो वो 1 से पूरी पूरी भाग होती हो या फिर अपने आप से पूरी पूरी भाग होती हो, इसके अलावा और किसी तीसरे नंबर से पूरी भाग ना होती हो, उस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 2। अब 2 या तो 1 से भाग होगा या 2 से होगा, और किसी से नहीं होगा। फिर 3, फिर 5। तो देखिए कि हमने 2, 3, 5 लिया है, 4 हमने यहाँ से हटा दिया है। 4 क्यों हटाया है, क्योंकि 4 एक तो 1 से भाग होता है, फिर 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो ये संख्या है तो 2 से अधिक हो गई, इसीलिए ये प्राइम 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन 5 होगा, फिर 7 होगा। तो जितने भी ये संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ अपने आप से और 1 से भाज्य हैं, इसके अलावा और किसी से भी भाज्य नहीं है। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर आ गया। भाई जो संख्या अपने आप से और 1 के अलावा बाकी किसी से भी भाग होती हो तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 1 और अपने आप के अलावा बाकी किसी से भी भाग होती हैं। जैसे 4 को देख लीजिए, ये 2 से भाग होता है, ये 2 से और 3 से भाग होता है, 8 भी 2 से और 4 से भाग होता है, ये 9 3 से भाग होता है, ये 2 से और 5 से भाग होता है। तो ये सब
कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। अब बच्चों अब देखेंगे हम, अब हम कंपोजिट नंबर हम सीख चुके हैं और हम प्राइम नंबर सीख चुके हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक नंबर मिसिंग है, एक जो एक नंबर है ना तो हमने उसको कंपोजिट में लिखा है ना ही उसको प्राइम में लिखा है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि वो कौन सा नंबर है जो ना ही तो कंपोजिट होता यानी ना ही तो वो भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता, ऐसा कौन सा नंबर है? जिस किसी को भी पता हो बच्चों आप अपना हैंड रेज करें और बताएं, या चैट के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप, कि जिस किसी बच्चे को भी पता हो वो जरूर बताए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जिस किसी को भी पता हो अपना आंसर आप बता सकते हैं बच्चों। बच्चों आप अपना हाथ उठा सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को आंसर पता है तो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है, एक सभी को पता है बच्चों, जीआईसी कांडा से हैंड रेज आया है। जीआईसी कांडा आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ बेटा नाम बताइए आप अपना। भगवान मालदा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका, आपने वन बोला। ठीक है बेटा शाबाश, बैठ जाइए, कीप इट अप। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही आंसर्स देते रहें और बिल्कुल सही आंसर है बच्चे का। अब देखिए वन ऐसा नंबर है जो ना ही भाज्य संख्या होती और ना ही अभाज्य संख्या होती, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी है बात कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसी लर्निंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप देखें कि यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, वही बताना है। यानी हम यहाँ पे जो असत्य है उस पे के सामने फॉल्स भी लिख सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, और जो सत्य है उसके सामने टिक कर सकते हैं, वो अभी यहाँ पे उस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो अब देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहला पार्ट इसका क्या बोला गया है कि तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये स्टेटमेंट है इन्होंने बोली है जो कि तीन विषम संख्याएं लेंगे और उनको योग करेंगे तो क्या आना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये तो भाई हमें तीन सम संख्याओं का योग करके ही पता लगेगा, तो हम तीन सम संख्याओं का योग करके देखते हैं। फिर तीन सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? तीन विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो एक तो तीन ले लिया मैंने और एक पांच ले लिया मैंने और एक सात ले लिया, ये तीनों विषम संख्याएं हैं। अब इन जो विषम संख्याएं हैं इनका हम योग करके यहाँ पे देखते हैं। तो विषम संख्याओं का योग देखिए, तीन प्लस पांच कितना होता है, आठ, आठ प्लस सात पंद्रह होता है, तो ये आ गया पंद्रह। तीन विषम संख्याओं का योग, तो इन तीन विषम संख्याओं का योग हमारे पास पंद्रह आया है। और पंद्रह क्या है, सम है या विषम है? तो पंद्रह विषम होती है, विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे तो योग बोला गया है सम होता है, तो अगर होता भी होगा तो सभी तीन
विषम संख्याओं का योग सम तो नहीं होता, क्योंकि एक हमारे सामने है ऐसा ही एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि ये तो असत्य हो गया भाई, ये कथन तो असत्य हो गया। अब इसी तरह बाकी के भी हम करेंगे। जैसे बी पार्ट देखिए, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, हम बिल्कुल चेक करके देखेंगे, हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे और फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या होगा इनका। अब देखिए, दो विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या हमें लेनी है, तो एग्जाम्पल से ही हम करेंगे, उदाहरण की मदद से हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो बच्चों, इसका बताइए सत्य है या असत्य है, जीआईसी कांडा बता सकते हैं, जो बी पार्ट है, क्या ये सत्य है स्टेटमेंट या असत्य है? सत्य है। अब बोलिए। सत्य है। सत्य है, वेरी गुड, ये सत्य है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो जैसा कि आप सबने सुना कि ये कथन सत्य है, तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे, ये हम साथ साथ एक बार यहाँ पे करते हैं। आप सबको आंसर पता लग गया, तो क्या ये आंसर सही है, यही हम चेक करते हैं। तो देखिए कि हमें सबसे पहले दो विषम संख्याएं लेनी है, तो दो विषम संख्याएं आप यही ले सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दो विषम संख्याएं ली थी, उसके बाद एक सम संख्या और लेनी है। पहले तो हमने तीनों विषम ली थी, लेकिन इस बारी एक सम संख्या चाहिए हमें, तो सम तो 6 भी हो सकती है। तो अब इन तीनों को ऐड करके देखेंगे हम, तो अगर जोड़ के देखेंगे तो 5 + 3 = 8 होता है, और 8 में अगर 6 हम जोड़ देंगे तो 14 आता है, तो 14 तो सम होता है, क्या होता है, सम संख्या होती है। यहाँ पे फिर इन्होंने सम ही दिया है और हमारा भी सम आया है, यानी कि ये कथन सत्य है। तो आपको आंसर जैसे पता लग गया था, बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, इसमें क्या बोला गया, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो तीन विषम संख्याएं हम यहाँ पे लेके देखते हैं, 3 × 7 × 9, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये तीनों विषम संख्याएं हैं, और फिर बताओ कि आंसर सम है या विषम है, इनका क्या आंसर आता है। तो हम सबसे पहले 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 21 हो गया। अब 21 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 189, ठीक है। 189 सम है या विषम है, तो ये तो विषम है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता, इसीलिए इसको आप विषम संख्या बोल सकते हैं। तो अगर ये विषम संख्या है, तो हमारा आंसर सही है या गलत है, विषम ही तो बोला गया है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, यही तो बोला गया है, तो यानी कि ये कथन भी सत्य होता है। ऐसे ही सभी के सभी आंसर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम रहता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम रहता है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो हम चेक करके देखेंगे कि सम संख्या कितनी हो गई, सम संख्या मान लीजिए 6 सम संख्या है, इसको 2 से भाग दे के देखेंगे, तो 2 × 3 = 6 होता है, कितना होता है, 3 आता है यहाँ पे आंसर। इसी तरह अगर 12 को भाग दे के देखेंगे हम 2 से, तो कितना आ जाता है, ये 6 आ जाता है। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, देखिए इसको 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 क्या है, 3 विषम है, 3 क्या है, विषम है। और 12 को 2 से भाग देंगे तो ये सम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम रहता है, तो ये सत्य नहीं है। ये सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि एक बारी तो ये सत्य नहीं है, तो इसको हम असत्य यहाँ पे लिख देंगे।
और ये असत्य क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बारी हमारे पास आंसर विषम आया है और एक बारी सम आया है। तो इसी तरह बाकी के जो पार्ट्स हैं ये भी आप ट्राई करेंगे, अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर सकते। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अच्छे से जो यहाँ पे हुआ है उसको, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।